दिल्ली के सीमापुरी इलाके में डिवाइडर पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ है। पुलिस ने घटना में शामिल ट्रक का पता लगाने की कोशिश शुरू की। यूपी के लखनऊ में एक अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक मजदूर की जान गई है। फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही थी, जहां केमिकल के ड्रम रखे हुए थे, जिसमें आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से होटल को लाखों का नुकसान होने की आशंका है। यूपी के रामपुर पुलिस ने नगर पालिका के रजिस्टर जलाने के आरोप में नगर पालिका के कर्मी और उनके साथी को हिरासत में लिया है। आरोपी रामपुर नगर पालिका में स्टेनो है। पुलिस ने आरोपी से बचे हुए रजिस्टर कब्जे में ले लिए हैं। साथ ही जिन रजिस्टर्स को जलाया गया है उसकी जांच की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हैवानियत की शिकार एक नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। नाबालिग के साथ 5 लड़कों ने गैंगरेप की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने उसे जिंदा जला दिया। हैवानियत की शिकार नाबालिग लड़की सीतामढ़ी जिले की रहने वाली थी, जिसका SKMCH मुजफ्फरपुर के वार्ड में इलाज चल रहा था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद IIT बॉम्बे में छात्रा के बाथरूम में झांकने का मामला सामने आया है। IIT बॉम्बे की एक छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा का आरोप है कि एक कैंटीन कर्मचारी रविवार रात को गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम की खिड़की से झांक रहा था। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद आरोपी को अरेस्ट किया है। यूपी की सीतापुर पुलिस ने एक शराब माफिया को 1,24,00,000 कीमत का मकान जब्त कर लिया है। आरोपी मिलावटी शराब बनाकर बेचने का काम करता है। उस पर पहले से कई केस दर्ज है। यूपी के कानपुर में नगर निगम ने सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। अल्टीमेटम दिए जाने के बाद भी अवैध रूप से फुटपाथ पर दुकानदार कब्जा किए हुए थे। कुछ स्थानीय लोगों ने पक्षपात का आरोप लगाकर नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया, जिसको पुलिस और दस्ते ने लाठियां पटक किनारे कर दिया। अयोध्या के कोतवाली परिसर में गोली चलने से हड़कंप मच गया। घटना मंगलवार को उस वक्त हुई जब वो मालखाने के चार्ज का हस्तांतरण हो रहा था। मालखाने में जमा पिस्टल को चेक किया जाने के दौरान गोली चल गई, जिससे मौके पर मौजूद होमगार्ड और एक अधिवक्ता घायल हो गए। पंजाब के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है, जिसको लेकर साथी छात्र अब जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। देर रात छात्रों के हंगामे को शांत कराने पहुंची पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने मृतक छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें उसने पर्सनल कारणों से सुसाइड करने का जिक्र किया है। पंजाब के बरनाला में 1,158 सहायक प्रोफेसर और लाइब्रेरियन भर्ती को बहाल करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने महिला अध्यापकों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिव्यांग अध्यापक भी पुलिस की मारपीट का बुरी तरीके से शिकार हो गए। यूपी का अलीगढ़ में सोमवार को एक मगरमच्छ टहलते हुए यहां के प्राथमिक स्कूल में पहुंच गया। ग्रामीणों की नजर जब मगरमच्छ पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर मगरमच्छ को अधमरा करके क्लास में बंद कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू करके निकाला गया। पंजाब के पठानकोट के कैंट रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से एक शख्स बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची GRP के जवानों ने शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। करंट लगने से घायल हुआ शख्स मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पुलिस शख्स के परिवार वालों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कारोबारी की स्कूटी से चोरों ने 20,00,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। दोपहर के वक्त दुकानदार अपनी स्कूटी में सीट के नीचे कैश रखकर शौचालय के लिए ले गया था। जब दुकानदार वापस आया तो उसे स्कूटी की वो सीट खुली हुई मिली। पुलिस ने केस दर्ज करके अब मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के गाजियाबाद में पत्रकार को सर तन से जुदा करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पत्रकार का दोस्त है। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने पत्रकार को धमकी भरा मैसेज भेजा था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक पिता ने अपनी ही दो बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पिता ने बच्चियों को मारने के बाद शव को नहर में फेंक दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर में से शव की तलाश शुरू कर दी। गोताखोरों की मदद से शव को तलाश किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कैश, ज्वेलरी और मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपियों के पास से पुलिस को एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस ने इन शातिर लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद कई वारदातों को सुलझाने का दावा किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ही जगह कई सारे बम मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद वहां पर पुलिस पहुंची और बॉम्ब स्क्वाड को भी वहां पर बुलाया गया बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, जिससे लोगों में राहत की सांस आई। कर्नाटक के शिवमोगा पुलिस ने ISIS के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके एक साथी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इन लोगों को आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरोह के सदस्य राज्य भर में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब इनके दूसरे जिलों में लिंक को तलाश रही है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हिना सैफी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। हिना सैफी को संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत के 17 यंग क्लाइमेट चेंज लीडर्स में शामिल किया गया। हिना अपने गांव से कॉलेज पहुंचने वाली पहली लड़की है। वो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शिक्षा की दिशा में भी काम कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।